हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी पास्ता बनाने, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद है। इसके लिए मैंने छोटे छोटे लोइयाँ को, आटे को मिला करके मैंने लोइयाँ बना ली। इसे चलिए हम लोग बेल करके पूड़ियाँ तल लेते हैं। पहले इस तरह से रिफाइन लिए हैं इसे। आप पूड़ियाँ थोड़ा सा रिफाइन लगा करके आप नीचे चाहे तो चकले पर आप बना लें, या इस पर भी आप बना सकते हैं। किचन आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम लोग पूड़ियाँ तल देते हैं। इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये अपने आप ऐसे फूल चुका है। इसी तरह से आप भी जब अच्छे से फूल जाए तब दूसरा डालें। तरह से फ्लेम को तेज रखें जिससे ये अच्छे से फूल जाए। तो चलिए मैं पूड़ियाँ पहले तल लेती हूँ, उसके बाद में आगे बताती हूँ। देख सकते हैं यहाँ मैंने ढेर सारी पूड़ियाँ तल करके रख ली है। तो चलिए अब इसकी रेसिपी तैयार करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप एक एक बारी बारी से पूड़ियाँ रख लें फूली फूली, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे सारे पूड़ियों को पहले रख ले, हम लोग छेद करते जाएंगे, इस तरह से खोलते जाएंगे। तरह से ये हल्का सा ठंडा हो जाए तभी ये प्रोसेस करें। इस तरह से इतनी टेस्टी और यम्मी बनेगी डिश की, आप लोग एक बार बनाएंगे बार बार बनाने की आप लोगों की इच्छा होगी। इतनी टेस्टी और इतनी खस्ती होती है कि मैं क्या बताऊँ। प्याज ओनियन छोटे छोटे मैंने कट कर लिए थे, इस तरह से आप इसमें डालते जाएँ। देख सकते हैं सारे में डाल दें, उसके बाद में आप हल्का हल्का टमाटर डालें। इतनी टेस्टी और यम्मी होती है कि मैं क्या बताऊं। इस तरह से आप भी डाल लें सारे में। उसके बाद में मैं इसमें थोड़े से धनिया की पत्ती आप ऐड करते जाएँ, जिससे और भी ये टेस्टी और यम्मी बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने मिर्च लिए हैं, ग्रीन मिर्च को कट कर लें आप इसी तरह से जैसे मैंने कट किए हैं। इसमें थोड़े से आप थोड़े से मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। काली मिर्च को हल्के से आप तवे पे डाल करके उसे भून करके आप पाउडर बना सकते हैं। जीरा पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से चाट मसाले, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चाट मसाले लिए हैं। इसे भी आप इस तरह से ऐड कर दें सारे में। यहाँ मैंने नींबू के रस लिए हैं, इसे आप डाल दें। इसे और भी टेस्टी और यम्मी इतनी होती है कि मैं क्या बताऊँ। आप देखते ही यकीन है मुझे कि आप लोग ज़रूर इसे बनाएंगे। इतनी टेस्टी और यम्मी होती है ये रेसिपी। आप थोड़े से इसमें नमकीन ऐड कर दें जिससे इसके स्वाद में और चार चौगुना स्वाद बढ़ जाएंगे। इस तरह से आप डाल दें। केचप भी आप इसमें डाल दें जिससे ये और भी टेस्टी और यम्मी हो जाएगा। आप लोग ज़रूर सरस्वती पूजा के दिन गेस्ट कोई आए तो इस तरह से बना करके देंगे, पूछेंगे कहाँ से बनाया है आप लोगों ने। इस तरह से यहाँ पे काला नमक भी आप हल्का हल्का ऐड कर दें जिससे और भी टेस्ट इसका चौगुना बढ़ जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और टेस्टी। इस तरह से आप इसे नींबू से सजा दें। देखिए तैयार है आप लोगों के लिए चटपटा सा नाश्ता। आप क्या नाम इसका रखना चाहेंगे प्लीज़ गेस एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।